फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने पोको M6 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन में ना डेटा रोमिंग सेटिंग को इनेबल कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। इसमें सबसे ऊपर आपको सर्च सेटिंग पर आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर सबसे ऊपर आपको ये सर्च बार में आपको लिखना है, यहाँ पर डेटा रोमिंग या फिर रोमिंग भी आप लिखेंगे ना तो आपको नीचे की साइड ये डेटा रोमिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, इसे सेलेक्ट करना है। आपका जो है ना ये पेज आएगा डेटा रोमिंग का, इसमें आपको ये इंटरनेशनल रोमिंग पे सेलेक्ट करना है तो ये पेज ओपन होता है। इसमें जो दूसरा ऑप्शन है ना बीच वाला फॉर एक्सपेक्टेशन ओनली, इसे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो आपका नीचे पेज आएगा, इसे ऑन का बटन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी इस तरीके से डेटा रोमिंग सेटिंग जो है इनेबल हो जाती है, ठीक है। अब देखिए ये सेटिंग को चालू क्यों करना पड़ता है और कब चालू करना पड़ता है ये मैं आपको बता आता हूं। मान लीजिए आप अपने स्टेट में रहते हैं, मान लीजिए आप दिल्ली के स्टेट में रहते हैं, और अगर आप अपने दिल्ली के स्टेट से अगर बाहर जाते हैं, ठीक है, तो जो भी आपका स्टेट है आप अपने स्टेट से बाहर जाते हैं दूसरे किसी स्टेट में, तब जाके आपको डेटा रोमिंग सेटिंग को इनेबल करना पड़ता है, चालू करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप इसे बाहर के स्टेट में चालू करेंगे तब जाके आप अपने मोबाइल फ़ोन के इंटरनेट को यूज़ कर पाएंगे। अगर आप इसे चालू नहीं करेंगे ना बाहर के स्टेट में तो आप अपने मोबाइल फ़ोन के इंटरनेट को यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, डेटा इंटरनेट जो होता है। तो इस तरीके से ये डेटा रोमिंग सेटिंग आप इनेबल कर सकते हैं।